ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸੀਏ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ 10 राउंड्स भी बाकी बोर्ड के राउंड्स भी उन तो रिकवर किया है। ये जो मोहित कुमार है तलवंडी का रहने वाले हैं, इन्होंने इनके साथ ही है एक कुलदीप सिंह, वो फिलहाल सानू वांटेड हैं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इधर नाल रल के मध्य प्रदेश तो वेपन मंगवाने हैं, जो इलीगल हथियार है मंगवाने इतने लोड के हिसाब से फिर आगे भेजते थे। अभी इन्हों मोहित कुमार ना आज असी कोर्ट पेश कराएंगे, करा के रिमांड लेवेंगे, फिर फर्दर इनसे पूछताछ करनी है। और मोहित कुमार के जो हिस्ट्री है वो तो पहले NDPS करके उन्होंने सजा हो चुकी है 10 साल की, 4 साल उन्होंने जेल भी कट लिया, उस बाद फिर हाई कोर्ट तो उन्होंने रिलीफ मिली है, फिर वो उन्होंने फिर बाहर आए, बाहर आते फिर इन्होंने आज ये काम किया, फिर ये सारी टाइमली इंटरवेंशन हुई है ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ NDPS ਦਾ, ਔਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲਾ ਆਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੁਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बाकी सारे डिटेल्स पूछताछ करेंगे। इस तो अलावा एक और अभी सी करनी है, जो DSPR सदर बठिंडा पुलिस टीम की कामयाबी है, कारगुजारी है। आप सारे पता है दिवाली की 2 दिन की पहला सदर के इलाका दे विच एक पटाखा की गोडाउन है, बड़ी गोडाउन है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।